ओके, तो अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, उस वजह से मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस टाइप फील हो रहा था, जिस वजह से मैंने सोचा कि चलो नेटफ्लिक्स खोलते हैं, देखते हैं कुछ। तो मेरे को देखने को मिली कला। एक्चुअली मैंने इसका ट्रेलर टीजर वगैरह कुछ भी नहीं देखा था, तो मैं विदाउट एनी क्लू चला गया इसे देखने के लिए। सच बताऊँ तो भाई, इट वॉज फैंटास्टिक, इट वॉज सो रिफ्रेशिंग कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लाइक मेरे को एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इसके अंदर कोई ना कोई भारी भरकम सा वर्ड यूज़ करूँगा, लेकिन भाई नहीं हो रहा। सच बताऊँ तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपलिस्टिक फॉर्म को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाने का इन्होंने ट्राई करा था, एंड वो एक्चुअली में वर्क करता है। मैं फिर से आगे बढ़ गया ना, शुरू से शुरू करते हैं। तो कला, मेड बाय अनविता दत्त, स्टारिंग तृप्ति दिमरी एंड लेट इरफान खान सर के सन एक्चुअली में बाबिल खान। सच बताऊँ तो भाई, इन सब ने अपने काम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करा है। अनविता दत्त डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा बहुत बेहतरीन था, एंड यही सेम चीज़ उन्होंने बुलबुल के अंदर भी करी थी, जिनके अंदर भी उन्होंने तृप्ति दिमरी को ही लिया था। एंड सच बताऊँ तो भाई, इन दोनों की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बाहर निकल के आती है। लाइक उनका डायरेक्शन, इनकी एक्टिंग जब मिलती है ना भाई, लाजवाब। तृप्ति दिमरी पूरी पूरी मूवी के अंदर शाइन कर रही थी, एक्चुअली में शाइन कर रही थी, उनके पीछे जो लाइट वगैरह चलती थी उसके चक्कर में, बट डेट डजंट मैटर। जो सिनेमाटोग्राफी इन्होंने दिखाई थी वो बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। उसके अलावा भाई, मेरी एक कंप्लेंट तो रहेगी कि हाँ भाई, बाबिल खान को थोड़ा सा कम स्क्रीन प्ले दिया, लेकिन जो भी था भाई, उनके कैरेक्टर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब अगर मैं ख़त्म होने के बाद सोच रहा हूँ कि हाँ भाई, उनकी जगह किसी और को लेना चाहिए था या नहीं, तो मेरी तरफ से भाई ना ही आ रहा है। लाइक इंसान की पहली मूवी थी, डेब्यू मूवी थी, एंड उसके अंदर उन्होंने इस टाइप का इंपैक्ट क्रिएट करा है ऑडियंस के ऊपर कि तुम किसी और को सोच भी नहीं सकते वो कैरेक्टर को प्ले करते हुए, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। उसके अलावा मैंने सिनेमेटोग्राफी की तो बात कर ली, उसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँगा तो भाई मैं बात करूँगा लाइटिंग की। लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रखी गई थी, जो कि उस सीन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना रहा था। एंड भाई सच बताऊँ तो इस बार मेरे को फील हो रहा है कि मतलब पिछले कुछ समय के अंदर म्यूज़िक बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। लाइक जो हमारी कंप्लेंट रहती है, जेनेरिक तो मसाला टाइप बनाते रही में करते हो, वो ये देखो तुम्हें एक प्योर क्लासिकल म्यूज़िक देखने को मिलेगा। और यही मतलब एक क्लासिकल तो नहीं, लेकिन इसी टाइप का सेम फॉर्मेट जो था म्यूज़िक को लेके जो एक्सपेरिमेंट करा गया था, वो करा गया था मोनिका ओमाई डार्लिंग के साथ भी। उसका म्यूज़िक भी काफ़ी ही ज़्यादा बेहतरीन सामने आया था निकल के। बाकी भाई कुछ ही समय की बात है, एग्ज़ाम वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर वापस रेगुलर हो जाएगा। एंड हाँ, बस यही था रिव्यू। टेल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू, बाय। मेरी तरफ से तो भाई रिकमेंडेड है, चाहो जाके देखो।